में हज कमेटी की बैठक, डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग, हज की तैयारियों पर हुई चर्चा। नीति आयोग की रिपोर्ट जारी, निचले स्तर से दूसरे पायदान पर झारखंड, बीजेपी ने दी अच्छा काम करने की सलाह। वही बिहार में जेडीयू नेता की सामने आई दबंगई, नेता पर लोगों की पिटाई करने का आरोप, पुलिस ने गजनफर हुसैन को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। बिहार में राजनीतिक बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। बयानबाजी की इसी कड़ी में गायघाट के पूर्व विधायक महेश्वर यादव ने नीतीश कुमार को देश का नेतृत्व संभालने को लेकर आगे आने की मांग की है। मुजफ्फरपुर में आरजेडी छोड़ जेडीयू में दामन थाम चुके गायघाट के पूर्व विधायक महेश्वर यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। मीडिया के समक्ष पूर्व विधायक महेश्वर यादव ने सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करने की सलाह दी है। सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों से हम लोगों की सहमति नहीं है और बीजेपी के विरुद्ध देश में जनमत तैयार हो रहा है। 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी फिर सत्ता में नहीं आ सकती है, इसलिए हम, चूंकि हमारा समझौता केंद्र के लिए नहीं है, हमारा समझौता सिर्फ एक राज्य में है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी के नेता भी देश में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बने, इसीलिए नीतीश जी से हम लोगों ने अनुरोध किया। बिहार में अन्य राजनीति से हमको कोई मतलब नहीं है, हम तो अपने दिल की बात कह रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की राय जो हुई है कि देश का प्रधानमंत्री नीतीश जी अगर अपना हम तो जदयू में हैं, बीजेपी सरकार में है दिल्ली में, हम दिल्ली में साझा तो हमारा है नहीं उनसे, तो हम भी चाहेंगे हमारे पार्टी के का नेता देश का प्रधानमंत्री बने, इसमें क्या बुराई है हमारा। वहीं बिहार में अस्पतालों की बदहाली, वैक्सीनेशन में तेजी और जाप प्रमुख पप्पू यादव की रिहाई की मांग के साथ बेगूसराय में जाप कार्यकर्ताओं ने सामूहिक उपवास का आयोजन किया। इस उपवास कार्यक्रम में बिहार प्रदेश सचिव विपिन कुमार यादव भी शामिल हुए। देश के कोना कोना, खास करके बिहार के हर गांव कस्बा मोहल्ला में जो है, तो जिस दिन से हमारे सुप्रीमो माननीय पप्पू यादव जी जेल गए हैं, तो रोज दिन कोई न कोई कार्यक्रम आंदोलन हो रहा है और होता रहेगा जब तक कि वो उनको रिहा नहीं किया जाता है। और जहां तक सवाल है, जो सरकार का कान में जू नहीं रेंगता है, तो सरकार का जो है तो पूरा पोल खुल चुका है और उसी को तो वो अपना ढकने के लिए जो है सम्माननीय महोदय जी को अंदर कर दिया, इसको डर है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र कुमार हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद हैं। जितेंद्र, अस्पतालों की बदहाली, वैक्सीनेशन में तेजी और पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर जाप कार्यकर्ताओं द्वारा उपवास किया जा रहा है, जितेंद्र? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक दिवसीय उपवास जाप कार्यकर्ता के द्वारा रखा गया था। उन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर, सबसे बड़ी बात जो अभी कोरोना जैसे महामारी बीमारी चल रहा है पूरे देश में, उस सबसे मुख्य मुद्दा उन्होंने यही लगाया कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का जो ढिलाई जो काम चल रहा है, अस्पताल जो बदहाली के आंसू रो रहे हैं, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार के द्वारा जो अस्पताल का जो सुचारू रूप से व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था नहीं के बराबर है,
और उसमें जल्द से जल्द तेजी लाने का मांग करते हुए और साथ ही साथ पप्पू यादव की जो गिरफ्तारी हुई है उसको रिहाई के लेकर, और उन्होंने साफ तौर से कहा कि देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बिहार सरकार के द्वारा जो मनमानी की जा रही है, गलत तरीके से फंसाकर पप्पू यादव को उसको जेल में भेजने के काम किया गया और ये कहीं ना कहीं बिहार के जनता के साथ छल किया जा रहा है। आने वाला समय में जो होगा बिहार सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। और उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा कि जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था का जो हाल है वो बस बदतर बनी हुई है, क्योंकि मरीज मर रहे हैं ऑक्सीजन के वजह से। एक तरफ बिहार सरकार के मुखिया कहते हैं कि ऑक्सीजन पूर्ण रूप से हर अस्पताल में उपलब्ध है, लेकिन बेगूसराय जैसे अस्पताल में जो है ऑक्सीजन की कमी होती है। और विभिन्न, उन्होंने साफ तौर से भी कहा, विभिन्न जिलाओं में ऐसा ही बात है जो कि लोग ऑक्सीजन के वजह से कितने लोगों की जानी गई है। इस पे सरकार की सोचना, सरकार को सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द इसको तेजी और करे जो कि ऐसे महामारी बीमारी से लोग बच सके। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बेगूसराय में गांधी स्टेडियम परिसर में मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत पॉक्सो के कृषि संयंत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम सहकारिता विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन बेगूसराय के डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री हरित कृषि योजना से संबंधित जानकारियां साझा की। हरित कृषि यंत्र योजना के अंतर्गत अभी हम लोग 30 ट्रैक्टर का चयन किए थे ट्रैक्टर के लिए, तो उसमें जेम पे 26 का ऑर्डर हुआ था, उसमें 4 का एजेंसी के द्वारा सप्लाई किया गया था, ट्रैक्शन को दिया गया है और 50% की इसमें सब्सिडी रहेगी और बाकी 50% इंटरेस्ट रहित ट्रैक्शन को स्वयं से पे करना होगा। और इसका लाभ ये होगा कि जो किसान अपने गांव में इनके किराए पे लेंगे, जुताई के लिए ट्रैक्टर हायर करते हैं, तो पैक्स उनको कम दाम पे, कम दर पे उनको उपलब्ध कराएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ एजेंसी के प्रतिनिधि भी हैं ये लोग, और बाकी का भी जल्दी से हम लोग ऑर्डर आपूर्ति कर देंगे ताकि हम लोग सभी ट्रैक्टर को उपलब्ध करा सकें। ट्रैक्टर के अलावा इस योजना के अंतर्गत और भी इससे संबंधित यंत्र हैं, उसके लिए भी पैक्सों का चयन हुआ है और हम लोग उसका भी जेम पोर्टल से अन्य माध्यम से निविदा करके उसका भी जल्दी आपूर्ति कराएंगे। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में जेडीयू नेता की दबंगई देखने को मिली है। सत्ता के नशे में चूर नेता गजनफर हुसैन पर बीते दिन 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है। इस आरोप के बाद फिलहाल पुलिस ने गजनफर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक जेडीयू नेता ने गजनफर हुसैन अपने गुर्गों के साथ मिलकर 3 लोगों को रॉड से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। तो आपको बता दें कि जेडीयू नेता की दबंगई सामने आई है। नेता पर पिटाई करने का आरोप लगा है। पुलिस ने गजनफर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मुजफ्फरपुर में जेडीयू के नेता की दबंगई देखने को मिली है। सत्ता के नशे में चूर नेता गजनफर हुसैन पर बीते दिन 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है। ये पूरा मामला मुजफ्फरपुर का है और इस आरोप के बाद फिलहाल पुलिस ने गजनफर हुसैन को गिरफ्तार भी कर लिया है। और जानकारी के मुताबिक जेडीयू नेता गजनफर हुसैन ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर 3 लोगों को रॉड से हमला कर बुरी तरीके से घायल कर दिया है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने संस्थान के महानिदेशक एल खियांगते से भवन में स्थित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, क्लासरूम, ऑडिटोरियम के उपयोगिता, रखरखाव सहित अन्य संबंधित विषयों की जानकारी ली और भविष्य में इसे और बेहतर करने पर चर्चा की। मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, कृष्ण लोक प्रशासन संस्था रांची के महानिदेशक एल
खियांगते, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सहरसा जिला की जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा। वहीं राज्य सरकार से बदहाली को दुरुस्त करने और पप्पू यादव को रिहा करने समेत कई अन्य मांग की। वहीं जाप जिला अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि गांव-गांव में जाकर सरकार के कुकृत्यों को बताने का कार्य पार्टी की ओर से किया जाएगा। पूरे बिहार में आज एक दिवसीय भूख हड़ताल का कार्यक्रम जन अधिकार पार्टी के द्वारा रखा गया है। इसमें हम लोगों की 5 सूत्री मांग है सरकार से, जिसके लिए हम लोग आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पहला मांग है कि जिला के सभी अस्पताल में की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, जिससे कि ग्रामीण स्तर पर इलाज करने में सुविधा हो गाँव के लोगों को। दूसरी मांग है जो कोरोना में जो मरे हैं आदमी, उनको तुरंत मुआवजा मिलनी चाहिए। और तीसरी मांग है जो कोरोना का निःशुल्क इलाज सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में होनी चाहिए। ये जो प्राइवेट अस्पताल लूट मचा रखा है, ये बंद होनी चाहिए और इस पर जांच भी बैठनी चाहिए। और चौथा मांग है हम लोगों का कि वैक्सीनेशन पंचायत स्तर पे होनी चाहिए। और सबसे अंतिम मांग है जो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक को तुरंत रिहा करे, 32 साल पुराने मामले में जो उन्हें फंसाया गया है, इसके लिए उन्हें तुरंत मुक्त किया जाए। नहीं अगर मुक्त होती है तो जन अधिकार पार्टी कोरोना लॉकडाउन को पालन करते हुए जन आंदोलन की तैयारी में आ चुकी है। और ये आंदोलन अब इसे कोई नहीं रोक सकता, बिहार के जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग संकल्प ले चुके हैं। वहीं राजधानी रांची के कडरू स्थित हज हाउस में झारखंड राज्य हज कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। विधायक इरफान अंसारी के हज कमेटी के चेयरमैन बनने के बाद ये पहली बार हुई बैठक में हज की तैयारियों को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में हज कमेटी के कई सदस्य मौजूद रहे। देखिए, हज कमेटी के चेयरमैन बनने के बाद आज पहली बार सभी सदस्यों के साथ हमने बैठक किया है और हज को देखते हुए उसकी तैयारी कैसे हो, क्या क्या इसमें पूर्व की भांति तैयारी का जो मापदंड है उसको देखते हुए सभी मेंबर्स को मैं बुलाया था आज और सबकी राय ली मैंने लिया है। और मेरा मकसद है कि हम लोग पहले से ही हम लोग तैयार रहे। अभी तक सेंट्रल से कोई गाइडलाइन नहीं आया है और होपफुली 10 के बाद आ जाना चाहिए। तो अगर आनन फानन में आ जाए और हम लोग तैयारी नहीं करें तो बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ऐसे इसी को देखते हुए हम लोगों ने बैठक बुलाया है और एक एक बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है। वहीं समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर विधानसभा के विधायक डॉक्टर अजय कुमार पर जानलेवा हमले को लेकर राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं सीपीआईएम के कार्यकर्ता और महागठबंधन के नेता इस घटना पर लगातार बैठक कर रहे हैं, जहां उनका कहना है कि इस घटना में जो भी आरोपी है उन्हें सजा मिले। वहीं इस घटना के अनुसंधान को लेकर लगातार पुलिस बारीकी से घटना की जाँच कर रही है और इसी को लेकर सदर डीएसपी नगर थाना अध्यक्ष और केस के आयोग की टीम ने सीपीआईएमएम कार्यालय पहुंचकर विधायक पर हुए हमले को लेकर बॉडीगार्ड से पूछताछ की। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निशानेबाज सह जमुई की युवा भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वीडियो जारी करते हुए लोगों से पर्यावरण को बचाने की अपील की है। जारी वीडियो के माध्यम से श्रेयसी सिंह ने पर्यावरण को बचाने और उसे संरक्षित करने पर ध्यान देने की बात कही। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस साल का थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इस थीम के तहत हम पेड़ लगा सकते हैं, नदियों की सफाई कर सकते हैं,
बाग बगीचे तैयार करके उनका संरक्षण कर सकते हैं। इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आने वाले पीढ़ी के लिए हम किस तरह की पृथ्वी पीछे छोड़ के जाना चाहते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से हमारी पृथ्वी को बेहद नुकसान पहुंचता है और भारतीय संस्कृति में पृथ्वी माँ की पर्यावरण की पूजा की जाती है। तो साथियों, आज साथ आइए एक प्रण लेते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करेंगे, उसे साफ रखेंगे और इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। आज का दिन विश्व वहीं बिहार सरकार लोगों को अस्पताल की अच्छी व्यवस्था दिलाने की लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई पड़ती है। मामला मुजफ्फरपुर जिले के बरुराज पश्चिमी का है, जहां 18 साल पहले एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था जो अब तबेले में तब्दील हो गया है। वहीं इस कुव्यवस्था से नाराज ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि कोरोना काल में इस गाँव में तकरीबन 10 लोगों की संदेहात्मक मौत हो चुकी है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग का यह अस्पताल तबेले बना हुआ है, जिसे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो स्वास्थ्य केंद्र आप देख रहे हैं, ये गुणेश्वर मुखिया जी थे, उनके समय में बनाया गया और उसके बाद में तीन मुखिया यहां से चेंज हो चुके हैं। अब नगर पंचायत ये हो गया, लेकिन इसके बदहाली आप देखिए, यहाँ गाय बहना हुआ है, कोई डॉक्टर नियुक्त नहीं है यहाँ पर है, कोई एनएम नियुक्त नहीं है। यहाँ की महिलाओं को परसों के लिए मोतीपुर और मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। आने वाले समय में जब तक लचर व्यवस्था रहेगा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, आगे जाकर सत्याग्रह भी करेंगे, रोड जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। एक कोरोना महामारी में यहाँ पर कोई डॉक्टर उक्टर आया नहीं आया, कोई नहीं आता है, यहाँ पर खुलता ही नहीं है, खुला ही नहीं आज तक। ये कहे के मतलब है कि सरकारी तो खुलल, हम लोग का बेटी के बहू के तबियत खराब हो खाले तो मोतीपुर ले जाए के जरूरी पड़ जाए, ऐसे यहाँ पर साफ हो जाए, सुथरा हो जाए, यहाँ पर खुल जाए तो ना ले जाए के पड़ी। बरुराज पश्चिम पंचायत वार्ड नंबर 4 में स्वास्थ्य केंद्र लगभग 18-19 साल पहले स्थापना हुआ और आज तक ले ना उसमें कोई डॉक्टर ना नर्सेज की उपस्थित हम लोग देखे हैं। और उसमें है कि हमारे बरुराज में 10 से 12 आदमी का देहांत हो गया है जो मई में, और उसमें संध्यात्मक स्थिति में मौत हुआ है। आज तक ले कोई ना स्वास्थ्य विभाग के हो या प्रशासन विभाग का हो, कोई आज तक ले सुधि लेने भी नहीं आया। और आज हमारे पंचायत में मास्क तक ले भी वितरण। वहीं बोकारो जिले के सैकड़ों गांवों में बिजली का संकट उत्पन्न हो गया है। यहां 16 घंटों तक की कटौती की जा रही है। बता दें कि बोकारो को 70 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन 30 मेगावाट भी बिजली नहीं है। यह कटौती CTPC एवं DVC के लापरवाही से जारी है। अधिकारियों के मुताबिक बिजली की तार जर्जर हो जाने से टूट रही है और एक घंटे की पारी पर बिजली आपूर्ति की जा रही है। चैम्बर विगत कई वर्षों से इस विषय को लेकर के लगातार मुखर रहा है और चैम्बर द्वारा हर स्तर के अधिकारियों को पत्राचार किया जा चुका है, चाहे वो कार्यपालक अभियंता हो या हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हो, लेकिन परिणाम जो है वो शून्य है। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज इस विकास के युग में जब हम लोग बात करते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमारा मानना, चैम्बर का मानना है कि बिना विद्युत के, बिना बिजली के आप विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जो सब स्टेशन 3 साल पहले बन के तैयार हो जाने चाहिए थे, चालू हो जाने चाहिए थे, वो आज भी जस के तस पड़े हुए हैं। न सरकार का उसकी ओर ध्यान है, न जिला प्रशासन उसके लिए संवेदनशील है, न हमारे जनप्रतिनिधि उसके प्रति संवेदनशील है। 50 शहर का विद्युत आपूर्ति का मांग है सर, 65 से 70 मेगावाट। इसका सेंक्शन लोड है जो 2 पॉइंट DVC से लेते हैं, वो महज 40 मेगावाट का है। इस पर लगभग डेली आपूर्ति 35 मेगावाट की ही वास्तव में की जाती है। और अभी जैसे गर्मी बढ़ जाती है ये लोड दिखने लगता है कि जो लोड गैप है, जिसके कारण ये आपूर्ति और DVC का तार कभी डेली टूट जाता है। कल तो जैसे कल का देखा जाए तो 2 बार टूटा, सुबह टूटा 10 बजे, 7 बजे टूटा तो 1 बजे चालू हुआ, शाम में 4 बजे टूटा तो फिर 12 बजे नॉर्मल हुआ। करीब ये लगातार एक सप्ताह से आए दिन DVC का मेन सप्लाई ब्रेक डाउन हो जा रहा है, करीब 6 से 8 घंटा, कभी 4 घंटा की आपूर्ति बाधित होती है।
फिर वहाँ से जब पावर रिस्टोर करके मिलता है तो वैसे में चार्ज के 8 मीटर है उसमें से काफ़ी लोड बढ़ चुका होता है, उसको बैलेंस करने में फिर टाइम लग जाता है, जिसके कारण जनता के जो मांग है आपूर्ति विद्युत की वो मतलब पूर्ति नहीं हो पाती है। तो हम लोग बीबीसी से भी आग्रह किए हैं कि अपना मैन पावर बढ़ा। वहीं सुल्तानपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुरेभार थाना क्षेत्र में पुलिस ने थाने के टॉप 10 अपराधियों समेत 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। वहीं लुटेरों के पास से 2 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और लूट के 17,500 रुपये भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि पकड़े गए टॉप 10 अपराधी पर दर्जन भर से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं इस गैंग में शामिल 3 अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। हमारे कूड़े भार में ये 3 घटनाएं हुई थी। पहली घटना हुई थी 10 मार्च को हुई थी, जो एक फौजी की औरत थी, फौजी की मृत्यु हो गई थी। वो बैंक से उसकी औरत पैसा निकाल करके और बाहर जो ही निकली है तो ये बाहर उसके उससे झोला छीन करके ये भागे थे। दूसरी घटना ये दिनांक 8/4 को दूसरी घटना हुई है। ये कस्बे के अंदर चैन स्नेचिंग किए हैं। तीसरी घटना हुई है गुप्तारगंज में प्राइमरी पाठशाला, उसमें इन्होंने एक महिला जो टीचर थी तो उसके बाला और उसकी चैन इन्होंने छीन करके और लेकर के भागे। उसी में इसमें 2 मुलजिम पकड़े गए हैं, जिसमें से विजय कुमार वर्मा सनाफ हनुमान कुमार वर्मा और इसके पास से 1 तमंचा और 1 कारतूस जिंदा बरामद हुए हैं। और दूसरा जो लुटेरा मिला है ध्रुव कुमार, उसके पास से 1 तमंचा 1 कारतूस मिला। पूर्व में उसके खिलाफ वहीं बिहार में अपराधियों का आतंक थमता नहीं दिख रहा है। अपराधियों के गोलीबारी का ताज़ा मामला नवादा से सामने आया है, जहां बीते दिन अपराधियों ने एक कार्यक्रम के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान अरवल जिले के लोदीपुर गांव निवासी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार युवक बीते शाम दवाई लेने बाजार निकला था और इसी वक्त वो अपराधियों की गोली का शिकार हो गया। डेड बॉडी हॉस्पिटल में रखा हुआ है, बाकी अनुसंधान किया जा रहा है कैसे गोली लगी, कौन गोली मारा, इन चीज़ों पर अभी जांच पड़ताल कर। मतलब आपको क्या लग रहा है, क्या अभी कुछ कहने में असमर्थ है, इतना थोड़ी देर पहले ही हम लोगों को, क्योंकि ये रहने वाला है दूसरे जिले का, सुनने वाला है, इनका यहाँ पे बहनोई रहता है, बहनोई के पास है। वही मुंगेर में जल जीवन हरियाली प्रोजेक्ट के तहत मूंग की खेती की ओर किसान अग्रसर हो रहे हैं। खेती की जीरो टीलेज प्रक्रिया के माध्यम से किसान कम लागत में मूंग की खेती कर रहे हैं। मूंग की खेती कर रहे किसानों के अनुसार ये खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्हें मूंग की फलंत होने पर किसानों को मूंग मिल जाता है, साथ ही पौधों में फलंत नहीं होने पर खेतों को ग्रीन पेस्ट साइज मिल जाता है। और साथ ही बीज की उपलब्धता को लेकर किसानों का कहना है कि उन्हें जीवन हरियाली प्रोजेक्ट के तहत सरकार की तरफ से मुफ्त में बीज उपलब्ध करवाया जाता है। पहले जहां प्रति एकड़ 3,000 की लागत आती थी, वहीं अब जीरो टीलेज मशीन आ जाने से प्रति एकड़ की लागत 1400 हो गई है। कर रहे हैं सर। कितने एकड़ में लगाए हैं आपने? 15 एकड़ में इस बार मूंग की खेती लगाई है। तो किस योजना के तहत? जल जीवन हरियाली के योजना के तहत में लगा रहे हैं जी। क्या स्थिति है आपके मूंग की? बार तो पानी के वजह से जितना बारिश पड़ रहा है लगातार, उसमें तो पूरा मूंग का खेती गल रहा है। मूंग उसमें 3 फसल है, मूंग और गारफली बोरा जो भी लगाए हुए हैं काफ़ी मात्रा में, पानी के वजह से पूरा खेती इस बार गल रहा है। मूंग की जो खेती है, मूंग की खेती जो है कि किसानों के लिए एक तरह से वरदान है। वरदान इसलिए है कि अभी जो है कि हम लोगों का खेत पूरी तरह से खाली होता है, मतलब कोई भी फसल नहीं होती है। तो इस सीजन में आप जो है कि मूंग की ही खेती कर सकते हैं, दूसरी कोई खेती होती नहीं है।
तो इस वजह से, और जल जीवन हरियाली के तहत में जो अभी किसान जो ये योजना चला रही है, इसमें किसान को बेनिफिट क्या है कि जो आपका सीड होता है वो सीड जो है कि जल जीवन हरियाली के तहत से सरकार के द्वारा, जो हमारा यहाँ का कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेर है, वहाँ के भी डॉक्टर साहब लोग आते हैं विजिट पर, तो वो जो है कि हम लोगों को मुहैया कराते हैं बीज, और जो है कि हम लोग जीरो टीलेज मशीन जो कि केवीके के द्वारा ही दिया गया है। वहीं बोकारो पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। चास थाने के पुलिस ने एटीएस से डिवाइस डालकर पैसे निकासी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। वही मौके से उसका साथी फरार हो गया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से वह डिवाइस भी बरामद कर लिया गया है जिससे वह एटीएम में डालकर पैसे की निकासी करता था। कि जैसे कि दोनों बंदा घुसा एटीएम में जब घुसा तो दोनों को तोड़ने का कुछ आवाज़ मिला तो हमको बस आवाज़ मिलने के बाद हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद देखे कि एक मशीन में उन लोग बोल रहा है कि पैसा नहीं दे रहा। जब पैसा नहीं दे रहा तो हम मशीन में देखें कि मशीन टूटा हुआ। तब हम इन लोग से पूछबो किए कि क्या आप लोग तोड़े हैं, तो इन लोग बोला हम लोग नहीं तोड़े, उन लोग तोड़ा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।